हेलो गाइस, इट्स मी विवेक फ्रॉम लॉजिक स्टूडियोज। तो गाइस, आज का जो ट्यूटोरियल है कि हम ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव कर सकते हैं इन एडोब प्रीमियर प्रो। सो मैंने वीडियो दिखा था कि हाउ टू रिमूव ग्रीन स्क्रीन इन आफ्टर इफेक्ट, लेकिन आज का जो ट्यूटोरियल है वो एडोब प्रीमियर में हम कैसे कर सकते हैं, है ना। वो आफ्टर इफेक्ट था और आज का जो है ये प्रीमियर में कैसे कर सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता कुछ जैसे कि नए एडिटर्स होते हैं उनको नहीं पता कि जो न्यू कमर्स होते हैं उनको नहीं पता कि उसको इफेक्ट ग्रीन स्क्रीन में हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए करते हैं। हम पहले हम एक लेंगे वाइट पेजेस ग्रीन स्क्रीन। मैंने गूगल से डाउनलोड किया था मैंने, तो ये आपको मिल जाएगा, वैसे ये नॉर्मली मिल जाएगा यूट्यूब में, ये सब फ्री है। तो चलिए हम करते हैं। मैंने एक ऐसे ही नॉर्मल एक पोस्टर मतलब पोस्ट मतलब मेरे खींचा था मैंने फोटो, वो ले लिया मैंने। तो ओके, ओके, हमें से इसको मिलाना है, मिलाना है। चलिए चलिए, अभी हम ग्रीन स्किन कैसे है वो उसको रिमूव कर सकता है देखिए। तो फर्स्ट आपको जाना है, नॉर्मली जाएंगे यहाँ पे टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे की लाइट आपको नहीं मिलेगा, आपको तो आपको मिलेगा जैसे कि नॉर्मली आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए ये, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है किंग में है, अल्फा एडजस्ट कलर की, डिफरेंस मैट इमेज इमेज मैट की, एलोमा की, नॉन रेड की, रिमूव मैट एंड ट्रैक मैट की एंड अल्ट्रा की। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो नॉर्मली एल्फ यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे कलर की में जा सकते हो। फर्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको कलर की में, ठीक है। तो कलर की में कैसे कर सकते हो आप, रिमूव कैसे कर सकते हो, हम इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे ग्रीन स्क्रीन वीडियो में। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, ये दिख रहे हो ना पेन, हम आप यहाँ को यहाँ पे चूज कीजिए, इसको गया ना। अब लिटिल भी आप कलर टॉलरेंस कर सकते हो, कलर टॉलरेंस कर सकते हो लाइक 70 थोड़ा सा हो जा सकते हो 96, जब तक ये ग्रीन जो आप देख रहे हो ना ये ग्रीन ताकि खत्म हो जाए, तो एज ठीक कर सकते हो तो लिटिल बिट एक्चुअली एज ठीक करने से थोड़ा सा उसका वो बहुत काफी सारे वो उनका वो हट जाता है नॉर्मली। और हम और थोड़ा कर सकते हैं, बस ओके तब तक कर सकते हैं, बट फिर भी देखो गाइस इसमें इतना परफेक्ट नहीं होता है, इतना परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है तब तक, हाँ तब तक कर सकते हैं। उसके बाद एज फैदर यूज कर सकते हो, एज फैदर थोड़ा सा उसका जो जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन आप कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर यहाँ पे को परफेक्ट नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हो, मैं इसको अंडू करता हूँ, ओके। तो हम जाएंगे अल्ट्रा की, आप अल्ट्रा की में जा सकते हो, अल्ट्रा की में जाइए आप, अल्ट्रा की में इसको ड्रैग कीजिए, ओके कूल। लेकिन हाँ मैं प्रेफर करता हूँ ही अल्ट्रा की प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि अल्ट्रा की आपका परफेक्ट एक वो दे देता है। चलिए करते हैं, देखते हैं आप, देखिए फाइनली ये पूरा उसको ख़त्म कर देता है, जैसे कि की लाइट में अल्ट्रा इफेक्ट में करते हैं ना वैसा सेम अल्ट्रा की भी आपका जो बैकग्राउंड है उसको 90% वो उसको क्लियर कर देता है, 90% क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे मैट जनरेशन, मैट चेनर क्लीन अप, आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो, थोड़ा सा उसको
बैकग्राउंड को थोड़ा सा लिटिल बिट वो कर सकते हो, हाईलाइट को छोड़िए नहीं चाहिए, शेडो कर सकते हो, शेडो डाल सकते हो आप, लेकिन शेडो क्या जरूरी नहीं है वैसे, छोड़िए। मैट क्लीनअप पे चलते हैं, चौक पे आप बिट्स को थोड़ा सा पतला कर सकते हो, ओके नाइस। सॉफ्टनेस को ओके, बाकी तो जरूरत नहीं है। बाकी तो देखिएगा इस कलर करेक्शन में आप सैचुरेशन में ल्यूमिनेंस ये सब आप वो आपको खुद देखना है, जैसे खुद देखना है मतलब इन द सेंस आई मीन टू से कि आप कलर्स में जाइए, ल्यूमिनेट उसमें जाइए, कलर में जाइए, आपको जिस हिसाब से आपको बैकग्राउंड के हिसाब से कैसा कलर मिलाना है, या आप इसको चूज कर सकते हो उसके हिसाब से, या ये आपके ऊपर है। तो मैं सैचुरेशन मैं नॉर्मल देते रहता हूँ। चलिए ठीक है, अभी इसको हम आप एडजस्ट कर सकते हो, उसको बिट एडजस्ट कर सकते हो उसको, यहाँ पे देना है। ये मेरा मतलब ये मेरा फाइनल जो बैकग्राउंड है वो मेरा ये फाइनल बैकग्राउंड नहीं है कि मुझे यहाँ पे ही देना है उसको, इसे आपको दिखाने के लिए मैंने बैकग्राउंड को क्लियर करने आपको दिखाने के लिए आपको मैंने ये ऐसे नॉर्मल बैकग्राउंड लेके आया है। बाकी आप अपने हिसाब से आप एक बैकग्राउंड लेके आइए, आपको जिस हिसाब से कहाँ पे देना है ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है कि मतलब ग्रीन स्क्रीन रिमूव किया है कि नहीं, मैंने बात वही है। तो यही है गाइस ऐसे ही, तो और कुछ नए नए वीडियोस लाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे जितने भी नए नए वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचे गाइस। तो बाय बाय, टेक केयर।